नियोजन घोटाले के आरोपी जेडीयू नेता मेवालाल चौधरी को जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार विवादों में घिर गए हैं। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर उन पर निशाने साध रही है। इसी क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को जेडीयू नेता मेवालाल चौधरी को नई कैबिनेट में जगह देने को लेकर सूबे के मुखिया और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा, तेजस्वी जहां पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देने को प्रतिबद्ध था, वही नीतीश ने पहली कैबिनेट में नियुक्ति घोटाला करने वाले मेवालाल को मंत्री बनाकर अपनी प्राथमिकता बता दी है। विडंबना देखिए कि जो भाजपाई कल तक मेवालाल को खोज रहे थे, आज मेवा मिलने पर मौन धारण किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा था, भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में भगोड़े आरोपी को शिक्षा मंत्री बना दिया, अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया, सत्ता संरक्षित अपराधियों की तो मौज है, रिकॉर्ड तोड़ अपराध की बहार है, लेकिन कुर्सी की खातिर अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर मुख्यमंत्री जी प्रवचन जारी रखेंगे।